हे गाइस, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मिस ना कर पाए हमारे चैनल का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो। सूचना जनहित में जारी। हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर ऑन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है जहाँ पे स्टीम का एंट्री प्रेशर एंड टेम्परेचर पी नॉट एंड टी नॉट है और स्टीम का एग्जिट प्रेशर पी ई है और थ्रोट प्रेशर पी स्टार है। पी स्टार वो प्रेशर है क्रिटिकल प्रेशर जिस केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज हमारा होता है, और पी बी हमारा जो है बैक प्रेशर जिसको हम वेरी कराएंगे और वेरी करके उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं डिस्चार्ज पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है जो कि इस लेंथ अक्रॉस द लेंथ ऑफ द नोजल कैसे पी बी को वेरी करने पे पी वेरी करेगा, कैसे कैसे वेलोसिटी वेरी करेगा, उस कर्व को हम पढ़ेंगे आज। तो जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि जैसे ही हम पी बी यानी बैक प्रेशर को एट वन यानी जब पी बी इक्वल्स टू पी लेट होगा तो आपका नो फ्लो होगा, समझे? नो फ्लो यानी कोई फ्लो नहीं होगा, दोनों इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर दोनों इक्वल कर गया तो आपका डिस्चार्ज अब कुछ नहीं होगा। और अब हम पी बी को थोड़ा कम करेंगे तो देखते हैं हम 2.2 पे आ गए। 0.2 पे हम आए तो देखें हमने क्या देखा, हमने पी बी अपॉन पी नॉट स्मॉलर देन वन और पी बी अपॉन पी नॉट, लेकिन अभी भी पी बी अपॉन पी नॉट जो है हमारा वो पी स्टार अपॉन पी नॉट से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, द वेलोसिटी इज इन कन्वर्जेंट सेक्शन इंक्रीज। कन्वर्जेंट सेक्शन ये वाला सेक्शन है आपका और ये वाला आपका डाइवर्जेंट सेक्शन है। तो कन्वर्जेंट सेक्शन यहाँ से यहाँ तक आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका प्रेशर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, प्रेशर राइज कर रहा है। तो प्रेशर राइज करता है तो क्या वेलोसिटी हमारा डिक्रीज करता है, यानी वो मैक नंबर हमारा यहाँ पे वन से छोटा है पहली बात, और दूसरी बात ये कि हमारा डाइवर्जेंट सेक्शन हमारा क्या करेगा, सबसोनिक डिफ्यूज़र की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम आते हैं पॉइंट थ्री पे। पॉइंट थ्री पे हमारा क्या कंडीशन है, पॉइंट थ्री पे हमारा एम इक्वल्स टू वन है, यानी जो हमारा अब क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे हमारा सोनिक स्पीड हमारी हमको मिल रही है, लेकिन स्टिल द डाइवर्जेंट सेक्शन एक्ट एज अ डिफ्यूज़र। लेकिन अभी भी जो डाइवर्जेंट सेक्शन है, जैसे ही यहाँ पे स्टीम सोनिक वेलोसिटी अपना पाएगी उसके बाद ही तुरंत उसकी वेलोसिटी फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। अब हम प्रेशर को और डिक्रीज करेंगे, अब हम आ जाएंगे पॉइंट फोर पे। पॉइंट फोर पे हम जैसे ही पहुँचेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि अब जो है प्रेशर यहाँ से यहाँ तक तो गिरा ही कन्वर्जन सेक्शन में, लेकिन अब डाइवर्जन सेक्शन में भी प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने पे हमको सोनिक स्पीड मिल गई, अब यहाँ से जब प्रेशर फिर से डिक्रीज करेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि यहाँ पे भी अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी अब वो सुपर सोनिक हो जाएगी। सोनिक पहले यहाँ तक सोनिक आई और यहाँ तक फिर अब सुपर सोनिक स्पीड हमको मिलेगी। और हम देख सकते हैं डायग्राम में जैसे ही अब हम प्रेशर को और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे बैक प्रेशर को, तो एट फाइव हमको प्रेशर जैसे ही और ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पी ई इक्वल्स टू पी ई रह जाएगा, और यानी पी ई इस पॉइंट पे प्रेशर वेरी नहीं करेगा, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द नोजल प्रेशर कुछ वेरी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम स्टीम बाहर निकलेगी आपके इस एग्जिट से तो उसमें कुछ वेरिएशन होगा, लेकिन इनसाइड ऑफ द नोजल नो वेरिएशन। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, एक अच्छा पॉइंट है कि शॉक क्या होता है। बहुत बार नोजल में जब प्रेशर थ्री और फाइव के बीच में होता है बैक प्रेशर, तो हमको शॉक मिल देख सकते हैं, बिटवीन थ्री एंड फोर फ्लो इन डाइवर्जिंग पार्ट इज नॉट आइसेंट्रोपिक, हैंस इट इज़ अकम्पनीड बाय इरिवर्सिबल फिनोमिनन एज शॉक। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री पे जो क्या था हमारा सबसोनिक स्पीड था, और इसी से जब हम आगे जा रहे हैं तो इसी इस पॉइंट से तो हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड मिल रही है। तो इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस क्या मतलब, जब थ्री और फोर के बीच में हमारा बैक प्रेशर रहेगा तो हमको क्या वेरिएशन होगा वो हम देखते हैं। तो वो क्या होता है कि एक शॉक हमको मिलता है, जैसे ही हम इन दोनों के बीच में थ्री और फोर के बीच में प्रेशर हम रखते हैं तो इनिशियली इसका क्या वेलोसिटी राइज कर गया सुपरसोनिक, लेकिन ये है तो दोनों के बीच में सुपरसोनिक और सबसोनिक,
तो इनिशियली क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम मतलब एग्जिट होने से पहले एक प्रेशर ड्रॉप आ जाता है, एक सडन प्रेशर ड्रॉप। तो उस प्रेशर ड्रॉप को हम बोलते हैं शॉक, जिसके कारण से हमारा वेलोसिटी सबसोनिक रीजन में चला जाता है। पॉइंट जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शॉक आया और ये एक ए में चला गया। शॉक्स अकर ओनली वेन द फ्लो इज सुपरसोनिक एंड आफ्टर द शॉक द फ्लो बिकम्स सबसोनिक एंड रेस्ट ऑफ द डक्ट एक्ट्स एज ए डिफ्यूजन। तो क्या जो मैंने अभी बात आपको बताई कि शॉक अकर्स ओनली वेन द सुपरसोनिक द वेलोसिटी सुपरसोनिक, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी सुपरसोनिक था, लेकिन जैसे ही शॉक हुआ वो सबसोनिक रीजन में चला गया। तो शॉक तभी अपीयर करेगा जब वेलोसिटी आपका सुपरसोनिक रीजन में, और वो आफ्टर शॉक वो सबसोनिक रीजन में पहुंच जाएगा, और जिसकी वजह से आपका आफ्टर शॉक द डाइवर्जेंट सेक्शन ऑफ द नोजल विल एक्ट एज अ डिफ्यूजर। और व्हेन द बैक प्रेशर इज एट बी वेलोसिटी इंक्रीज एंड द प्रेशर डिक्रीज इन द डाइवर्जेंट सेक्शन बट ए शॉक विल अपियर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। तो जैसे हम देख ही सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन है, जब बी पे होगा बैक प्रेशर तो इनिशियली तो सुपरसोनिक रीजन तक आएगा, लेकिन एक शॉक एग्जिट जब वो एग्जिट पर पहुंचने वाला होगा तो एक शॉक अपीयर करेगा जिसके कारण से वो फिर से सबसोनिक रीजन में पहुंच जाएगा। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।